देखिए पहाड़ों के पगडंडियाँ ऐसे सीसी रोड होती है, ऐसे जाती है। और ये नीचे साइड में देखिए नदी है, छोटी सी नदी है जो इन पहाड़ों के बीच से बह के जाती है। उधर देखो धूप अभी दिख रही है और हम लोग इस रास्ते से यहाँ चल कर आ रहे हैं इधर से। ये पहाड़ की नदी को आप लोग भी देखिए, ऐसी छोटी छोटी नदियाँ निकल कर और नीचे प्लेन में हल्द्वानी के नीचे भावर एरिया में पहुँच कर फिर आगे चल को गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती हैं। नदी के ऊपर आगे छोटा पुल भी है और उधर से रास्ता है। काफ़ी टाइम बाद इधर आजम लोगों का आना हुआ है। देखिए इसमें पानी भी है, अभी नदी में आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बीच बीच में देखिए ये थोड़ा पानी भी है इधर, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। ये कभी पुल होता था, हम लोग इस पुल से इधर से फिर एक रास्ता कुड़गांव के लिए इधर से भी जाता है। वो देखिए आगे की तरफ वो रास्ता जा रहा है लेकिन पुल बह गया है और गवर्नमेंट उम्मीद करते हैं कि इस पुल को ज़रूर बनाएगी क्योंकि बारिश के दिनों में इसको पार करने के लिए पुल की बहुत ज़रूरत है। उधर देखिए आप दूर देख रहे होंगे हमारे कलीग लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल हम जंगलों के बीच में हैं। ये देखिए आपको नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल जंगल के बीच में। अभी इधर से हम लोग आए हैं टी गार्डन के बगल से, श्यामखेत से, घोड़ाखाल से भी शाम को हम लोग निकले हैं टहलने। देखिए ये पुल जो मैं आपको दिखा रहा था बह चुका है। और उधर देखिए वो पोली हाउस से दूर पर वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर कि पहाड़ों पे ऐसे बहुत सारे पोली हाउस बनते हैं क्योंकि ठंडे इलाके हैं, यहाँ पर स्नोफॉल और बर्फ भी होता है और पाला भी पड़ता है उससे बचने के लिए। उसके अंदर जो है प्लांटेशन प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। ऊपर देखिए ये रोड जाती है उधर की तरफ, लेकिन बीच में पुल बह चुका है और उम्मीद करते हैं जल्दी ही ये गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी। और ये देखो ये नदी है, ये अभी अप्रैल का महीना है तो पानी कम हो गया नदी में, बारिश के दिनों में पूरी भर के नदी बहती है और बहुत तेज़ी से। देखिए फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी है और ये पहाड़ी नदियाँ ऐसी ही होती हैं, गर्मी के दिनों में थोड़ा सूख जाती हैं। और ये नदी नीचे जाके कई नदियाँ आपस में ऐसे छोटी छोटी मिलके फिर हल्द्वानी की तरफ जाके और बड़ी नदी में मिल जाती हैं भावर एरिया में। यहाँ पर बहुत सारे हिरन उनकी प्रजातियाँ घुरड़ आदि भी हैं। और ये देखिए ब्रांस का पेड़ जो अभी मैं उधर दिखा रहा था, या नदी के किनारे भी एक प्लांट इसका दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं।